दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Poco X3 Pro और Poco X2 के बारे में। दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारा वीडियो इसमें बना लिया, आज कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं जो कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग Poco X3 या तो Poco X3 Pro जब भी खराब हो जाता है तो आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप लेके चल जाते हो। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक Poco X3 Pro इधर मोबाइल है और ये टोटली रेडी है, लेकिन ये जो मोबाइल है इसका कैबिनेट किसी दूसरा का है और मदरबोर्ड किसी दूसरा का है। तो दोस्तों अगर आपके पास Poco X3 या तो Poco X3 Pro है और वो मोबाइल आप रिपेयर करना चाहते हो और आपका मोबाइल उधर रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आपने जो दो तीन जगह दिखा लिया जैसे कि Poco X3 हो, Poco X3 Pro हो या तो Poco X2 हो, दिखा लिया रेडी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत छेड़खानी हो जाता है मोबाइल में, और छेड़खानी होने के बाद जब भी आप अपना मोबाइल हमारे पास भेजते हो, सोच लो एक दो तीन दुकान दिखा लिए नहीं हुआ, तो वो जो है बहुत सारा तरीका लगाता है मोबाइल बनाने के लिए, और उसके बाद जब नहीं होता है अगर आप हमें भेजते हो तो उसमें मतलब बहुत कम चांसेस रहता है मोबाइल बनने का। लेकिन दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका ऐसा भी सिचुएशन हो चुका है कि Poco X3, Poco X3 Pro या तो Poco X2 मोबाइल नहीं बन रहा है, आपने जो है एक दो तीन जगह दिखा लिया, तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों अभी जो है हमारे पास सभी स्पेयर जो है अवेलेबल हो चुका है, जैसे कि मतलब Poco X3, Poco X3 Pro का मतलब IC, CPU IC, eMMC IC या तो RAM, ये सब जो है हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज प्रॉब्लम आने से मोबाइल जो है ऑन नहीं होता। इससे पहले हमारे पास स्टॉक नहीं था, तो इसलिए मैं मना भी कर दिया था कि अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है, आपने एक दो तीन दुकान दिखा चुके हो तब भी आपका मोबाइल रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे पास मत भेजो, क्योंकि हमारे पास अगर आप मोबाइल भेज देते हो और मोबाइल नहीं बनता है तो आपका मोबाइल क्या होता है ना, ऑलरेडी आप लोग जो है एक दो जगह दिखा चुके होते हो और बाद में हमारे पास भेजते हो, आप डिलीवरी चार्जेस देके हमारे पास भेजते हो और डिलीवरी चार्जेस जो है फिर जब नहीं होता है तो फिर डिलीवरी चार्जेस देके हमारे पास से रिटर्न भी लेते हो, तो इसलिए क्या होता है ना, आपका पैसा खर्चा होता है लेकिन कोई काम का नहीं बनता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे पास जितना स्पेयर अवेलेबल है उसके बाद क्या हो रहा है ना, कोई भी मोबाइल अगर छेड़खानी होके आता है, मतलब अगर रिपेयर होके आता भी है तो भी बन जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है सब स्पेयर अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले जो है मतलब दूसरा मदरबोर्ड भी अवेलेबल नहीं था, या तो रैम और मतलब ये जो है इंटरनल स्टोरेज जिसको बोलते हैं eMMC IC या तो अपना CPU IC, ये सब अवेलेबल नहीं था, और सभी स्पेयर जो है हम लोग अवेलेबल करा लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी Poco X3, Poco X3 Pro या तो Poco X2 रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आपने एक दो तीन जगह दिखा लिया नहीं हो पा रहा है, तब भी आप हमें भेज के अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं किसी भी जगह में दे दूंगा या तो वीडियो में कहीं पे भी दे दूंगा, वीडियो को आखिर तक देखो। और एक भाई को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसके बाद में क्या करूंगा ना, जब भी आप मोबाइल बना के रिपेयर करके आपके पास पहुंचेगा ना दोस्तों, जो भी मेरे पास से बना के लिया है वो बहुत लोग ले चुका है, उन लोग का कॉन्टैक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा डेली जो है कॉल आता है, आप लोग ही कॉल करते हो, आप लोग को पता ही होगा, अगर आपने मुझे कॉल किया है मैं डायरेक्ट आपका हर एक कॉल उठाता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई कॉल मिस कर देता हूं, हर एक कॉल उठाता हूं, जिसका मिस कॉल हो जाता है उसको भी मैं कॉल रिटर्न भी करता हूं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो, बात करके पूछ सकते हो और अपना मोबाइल को आराम से भेज सकते हो। और एक चीज मैं इधर करने की कोशिश करूंगा कि जिसका जिसका मोबाइल बन जाएगा और उसके बाद उसके पास जब पहुंच जाएगा उसको बोलूंगा कि आप एक वीडियो बना के हमारे पास भेज दो, जैसे कि कस्टमर को लगे कि हाँ सही में मेरा मोबाइल जो है बन के आ चुका है, और आप लोगों को थोड़ा सहायता मिलेगा कि हाँ ये जो है फ्रॉड नहीं है या तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से आप अपना मोबाइल को मेरे पास भेज के रिपेयर करा सकते हो। दूसरा चीज और एक चीज में इधर कोई भी रिपेयरिंग शॉप वाला या तो कोई भी भाई को मैं बताने की कोशिश करूंगा जो लोग की रिपेयर करता है। कल मेरे पास एक दुकानी भाई ने कॉल किया और उसने मुझे पूछा कि भाई मैंने जो है 4 से 5 बार रिबॉलिंग कर चुका हूं और उसके बाद भी मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है Poco X3 Pro। तो मैंने उसको एक चीज बताया कि दोस्तों देखिए, अगर आपका मोबाइल आपने रिपेयरिंग कर चुके हो, 3-4 बार रिबॉलिंग कर चुके हो, मतलब नहीं हो रहा है, तो आपको एक एक चीज ध्यान देना है। पहले तो आपको फ्रेश माइंड में काम करना है, हो सके तो आज सुबह से लगे हो, शाम हो गया आपका मोबाइल रेडी नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो, आज के दिन के लिए छोड़ दो, माइंड फ्रेश करो, कल सुबह आना और एक फ्रेश मदरबोर्ड के जैसे, मतलब सोच लो कि ये मोबाइल में आपने काम किया ही नहीं, नया आया है, उसी के जैसा आप फ्रेश काम करो, एकदम पहले से ही स्टार्टिंग से काम करो, देखना आपका मोबाइल रेडी हो जाएगा।
दूसरा चीज होता है कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आया है, पोको X3 हो, पोको X3 Pro हो, जिसमें कि आप जैसा कि प्रॉब्लम है, पोको X3 में साउंड कैमरा ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है और पोको X3 Pro में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला प्रॉब्लम है, दोनों केसेस में ये जो प्रॉब्लम है सीपीयू आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ है और आपके पास आया है, आप एक टेक्नीशियन हो, तो आप कोशिश करो कि अपना बेस्ट देने के लिए। अगर आपको पता नहीं है सीपीयू आईसी रिबॉलिंग क्या है, या तो सीपीयू आईसी आप कभी रिबॉलिंग नहीं किए हो, तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूं, भाई किसी का मोबाइल खराब मत करो, किसी भी जगह में इधर उधर हीट मत लगाओ। अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ है, दूसरा कहीं पे कुछ भी करने से आपका मोबाइल नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम है। अगर आप सीपीयू आईसी को हीट करते हो, ज्यादा हीट कर देते हो, तो सीपीयू आईसी खराब हो जाएगा, रैम खराब हो जाएगा, और फिर क्या होगा ना, दोनों तीनों चीजों जो है चेंज करना पड़ता है और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, जिसका मोबाइल है उस कस्टमर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर आपको काम पता नहीं है, आप सीपीयू का या तो ईएमएमसी का काम नहीं करते हो, तो छेड़खानी मत करो, ये जो है सीपीयू का ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप छेड़खानी कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है ना, आप सीपीयू का काम करने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरा जगह में कुछ ना कुछ छेड़ चुके होते हो। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप अगर एक टेक्नीशियन हो, आप रिपेयर करते हो, तो सही तरीका से काम करो, आपको भी सक्सेस मिलेगा। जैसे हमारे पास इतना सारा काम आता है, मतलब बहुत जगह से, ऑल इंडिया से तो यूट्यूब से काम आता ही है। दूसरा, हमारा बगल में जो जितना रिपेयरिंग शॉप है, बहुत दूर दूर से, मतलब 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से, मैं तो उड़ीसा से हूँ, कलकत्ता से भी काम आता है हमारे पास, बस में आता है, कितना होगा इतना, 500-600 किलोमीटर 700 किलोमीटर रास्ता है, उधर से भी बस में काम आता है, हम लोग काम करके फिर बस में भेज देते हैं, जिसका मोबाइल है उसके पास जाके पहुंच जाता है, रिपेयरिंग शॉप से आता है, कोई नॉर्मली नहीं आता है। जो लोग इधर कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, जैसे कि यूट्यूब से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, वो तो यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करके भेज देते हैं, जो लोग नहीं कर पाता है तो वो लोग जो है डायरेक्ट कहीं पे रिपेयरिंग शॉप में देता है, उधर से भी हम लोग का काम आता है। तो आपको बोलने का मतलब ये है, कोई चीज में इधर उधर की छेड़खानी मत करो। और अगर आप एक साधारण यूजर हो, आपका मोबाइल डेड हो चुका है, तो आपको मैं इतना बताने की कोशिश करूंगा, आप सही रिपेयरिंग चुनो। बोलोगे भाई मैं कैसे चुनूं, मुझे कैसे पता है काम होता है कि नहीं, पहले आप जाके पूछो कि भाई आप क्या आईसी का काम करते हो, सीपीयू आईसी का, ईएमएमसी आईसी का। अगर वो हाँ बोलता है, या तो आपको पता होता है कि हाँ ये जो है मतलब काम करता है, बहुत लोगों का काम किया है, या तो आप लोगों का दोस्त लोगों से, या तो आप यूट्यूब में सर्च करो, या तो आप गूगल में जाके सर्च करो, अगर कोई दुकानी है, रेप्यूटेड दुकानी है, तो उसका जो है काम जो है ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, मतलब गूगल में भी पड़ा होगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो, उसको एक बार खंगाल सकते हो उसका बायोडाटा, और उसके बाद क्या करना, अपना मोबाइल जो है भेजना। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका मोबाइल रिपेयर होने के बाद। दूसरा और एक चीज मैं इधर अपने बात करूंगा कि जब भी आप फोन करते हो, तो आप लोगों को, बहुत सारा लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई आपके पास जो है मोबाइल तो हम भेज देंगे, मोबाइल रिटर्न आएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, आपका मोबाइल क्यों रिटर्न नहीं आएगा, मुझे ये बात बताओ, क्या मैं आपका मोबाइल जो आपने भेजा है, डेड वाला मोबाइल 2-5 हजार 10 हजार के भी है, कुछ भी है, आपका मोबाइल लेके मैं क्या करूंगा। दूसरा चीज है कि मेरा एक चैनल है, मेरा एक दुकान है, आप देख रहे हो, मैं दुकान में ही वीडियो बना रहा हूँ, बगल में रोड है इसलिए बहुत ज्यादा साउंड आता है, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ करना। मैं कोशिश करूंगा कि घर में एक स्टूडियो बना के उसमें वीडियो बनाऊं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना। और इधर एक और एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का मोबाइल क्यों नहीं जाएगा। जितना भी लोग आज तक भरोसे में हम लोग के पास मोबाइल भेजा है, उसका मोबाइल 100% रिपेयर होने के बाद उसका घर में जाके पहुंचा है, और उसका भी प्रूफ मैं लाके दूंगा धीरे धीरे। मुझे इतना ये नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऐसा भी करना चाहिए कि जैसे ही आपका वीडियो मतलब मोबाइल बन के उसका घर में पहुंचेगा, उसको बोलूंगा कि अपना मोबाइल पकड़ के एक वीडियो बना के भेज देना, वो कहाँ से है, क्या से है, और जो वीडियो भेजेगा उसको भी मैं यूट्यूब में कहीं पे क्लिक दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये जो है सही है, और आप आराम से अपना मोबाइल को हमारे पास भेज के मोबाइल रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मैंने इतना सारा चीज आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज बहुत सारा वीडियो में बताया है पोको X3, पोको X3 Pro के बारे में, तो इसलिए मैं सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, सभी चीजें उसमें पैक करता हूँ, और आप लोग को एक्चुअली में पता चले कि सही में पोको X3, पोको X3 Pro या तो पोको X2 हमारे पास भेजना चाहिए कि नहीं, रिटर्न आता है कि नहीं, कैसा काम करना चाहिए, एक टेक्नीशियन को कैसा काम करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है,
तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।